ठीक है चलो सो so, अब इस पर्टिकुलर सेट ए बी और इन रिलेशन में बच्चों में बात कर रहा हूँ किसकी डोमेन की ध्यान से देखना अगर मैं डोमेन डोमेन की बात करूं तो क्या होती थी फर्स्ट एलिमेंट्स जो जो होते थे उनसे जो सेट बनता था वो क्या होती थी मेरी डोमेन तो अगर मैं आर वन की डोमेन की, की बात करूं अच्छा आर वन एक फंक्शन बन चुका है तो अगर मैं आर वन जो फंक्शन है उसकी डोमेन की बात करूं तो फंक्शन की डोमेन क्या निकल के आ रही है मेरी जो आर वन फंक्शन है उसकी डोमेन क्या निकल के आ रही है वन टू थ्री फोर और फाइव अच्छा ध्यान से देखना रेंज किसकी बात करूं रेंज की तो रेंज क्या होते थे जो एलिमेंट इमेज बन के आते थे वो क्या होते थे हमारे रेंज सो सेवन सेवन टेन इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन चेक करना ये क्या मेरी आ गई रेंज अच्छा कोडोमेन की बात करो तो कोडोमेन क्या होता था इंटायर सेट बी को हम कोडोमेन कहते थे जो पूरा का पूरा बी सेट होता था उसे क्या कहते थे थर्टीन तो मैंने तो किसी फंक्शन में डोमेन देखने आ गई रेंज देखने आ गई और कोडोमेन देखने आ गई अच्छा कब आई है ये सिर्फ तब जब मेरे पास कैसा फंक्शन दे रखा होगा मुझे कैसी फंक्शन दे रखा होगा या कैसी रिलेशन होगी मेरे पास एक रोस्टर फॉर्म में रिलेशन होगी कैसी होगी मेरे पास एक रोस्टर फॉर्म में रिलेशन होगी तो इसके लिए एक काम करो एनसीआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 देख लो एनसीआरटी का एग्जाम एग्जाम्पल नंबर 11 एनसीआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करो एनसीआरटी के एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं एनसीआरटी का एग्जाम्पल नंबर इलेवन ध्यान से देखना निकाल लो आप लोग इतने एनसीआरटी का एग्जाम्पल नंबर इलेवन निकाल बच्चों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर इलेवन चलो ठीक so, है सो ये हमारे सामने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर इलेवन क्या कहता है क्वेश्चन एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ये सारी पहली बात तो क्या है रिलेशंस है गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज फंक्शन और नोट यानी कि जो काम हम सीख के वही चेक करना है इसमें तो क्या रहे जो रिलेशन दे रखी हैं, आर आर और आर तीन पार्ट दे रखे हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं हमें ये चेक करना है अच्छा ध्यान से देखो इसके लिए, इसके लिए लिए क्या मुझे कोई A -set या कोई ए सेट या बी सेट दे रखा है नहीं इसके लिए मुझे कोई ए सेट और बी सेट नहीं दे रखा यानी कि मैं मान के चलूंगा मैं मान के क्या चलूंगा कि इसमें जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही होगी ध्यान से देखना अच्छा टू पे क्या इमेज मिल रही है वन थ्री पे क्या इमेज मिल रही है वन और फोर पे क्या इमेज मिल रही है टू ध्यान से देखो टू थ्री फोर तीनों के तीनों अलग एलिमेंट्स है टू थ्री फोर तीनों के तीनों क्या एलिमेंट्स हैं अलग एलिमेंट है टू थ्री और फोर तीनों के तीनों क्या हैं अलग एलिमेंट्स और तीनों पे ही इमेज मिल रही है मुझे तीनों पे ही क्या मिल रही है इमेज क्लियरली अगर मैं देखू क्लियरली अगर मैं देखू तो टू थ्री एंड फोर ऑल हैव देयर यूनिक इमेजेस उनकी यूनिक इमेजेस है उनके पास दे हैव देर यूनिक इमेजेस सो फर्स्ट पार्ट में जो मेरा आर है इज अ फंक्शन बात समझ आ रही है क्यों क्योंकि इसमें कोई ए सेट तो दे नहीं रखा मुझे कोई ए सेट तो दे नहीं रखा जिससे कि मैं उसकी डोमेन चेक करूं ध्यान से समझना जिससे मैं उसकी डोमेन चेक करूं चलो सेकंड कंडीशन देखो सेकेंड पार्ट सेकंड पार्ट कहता है एक रिलेशन आर देखिए टू 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 फोर थ्री 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 फोर चेक करो टू पे मुझे कितनी इमेजेस मिल गई टू पे टू भी मिल रही है टू पे फोर भी मिल रही है टू पे टू भी मिल रही है सो so, साफ साफ पता चल ये रिलेशन तो फंक्शन है ही नहीं क्यों क्लियरली क्लियरली टू हैज टू इमेजेस टू के पास कितनी इमेजेस हैं टू two? भाई टू हैज टू इमेजेस कौन कौन सी टू एंड फोर सो सेकेंड पार्ट में जो आर है इज नॉट अ फंक्शन होगी ना बच्चों नहीं है अच्छा थर्ड पार्ट चेक करो थर्ड पार्ट देखना ध्यान से कहता है वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन चेक करो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सारे अलग अलग एलिमेंट्स है सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट्स है अच्छा ध्यान से देखना सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो बस तो फिर बात ही खत्म होगी अगर सारे अलग एलिमेंट्स हैं हमारे पास कोई सेट ए तो है ही नहीं चेक करने के लिए तो इसका मतलब ठीक है तो इसका मतलब क्या है जो ये मेरी रिलेशन है ये क्या है आर इज अ फंक्शन रिलेशन क्या है मेरी फंक्शन है चलो सो so, एक बार बच्चों समअप कर देते ये क्लियर है ना बच्चों सभी को क्वेश्चन क्लियर है ना रह गई थी तो फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में मैं बात कर रहा हूं किसकी रियल फंक्शन की सो रियल फंक्शन कहते हैं हम ऐसे फंक्शन को जिसकी डोमेन भी क्या होती है रियल नंबर और रेंज भी क्या होती है रियल नंबर यानी कि सबसेट ऑफ रियल नंबर भाई डोमेन क्या होनी चाहिए रियल नंबर में से कोई एक सेट होना चाहिए अब रियल नंबर तो बहुत सारे हैं दुनिया भर के बहुत सारे नंबर हैं पर डोमेन क्या होनी चाहिए उस रियल नंबर में से ही कोई एक उसका छोटा सा सेट हो जाए तो हमारा रियल फंक्शन कहलाता है ध्यान से देखना एक और बात कर लेते हैं ये बात तो क्लियर होगी ना कि रियल डोमेन क्या हो अच्छा इसी तरीके इसी फंक्शन की पढ़ाई करनी है हमें इस हमारे सिलेबस में रियल फंक्शन रियल फंक्शन मतलब हम ऐसे फंक्शन को स्टडी करेंगे जो क्या होने चाहिए रियल होने चाहिए रियल मतलब उसके इनपुट भी रियल होने चाहिए और उसके आउटपुट भी रियल नंबर होने चाहिए ध्यान से देखना इनपुट भी रियल नंबर आउटपुट भी रियल नंबर होने चाहिए तो हम इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से समझना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों आपके सिलेबस का जो फंक्शन है वो इसी पर डिपेंड करता है रियल फंक्शंस रियल फंक्शंस क्या है जो आपका डोमेन है वो सबसेट होना चाहिए किसका रियल नंबर का और रेंज भी है वो क्या होनी चाहिए रियल नंबर का सबसेट अच्छा एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन देखो नाम से ही है मतलब वैल्यू कैसे आनी चाहिए रियल आनी चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब वैल्यू कैसे आनी चाहिए रियल यानी कि सिर्फ रेंज की बात हो रही है किसकी बात हो रही है रेंज की इनपुट कैसा भी चलेगा आउटपुट क्या चाहिए मुझे जबरदस्ती है रियल नंबर ही होना चाहिए क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए ऐसे रिलेशन को क्या कह देंगे रियल वैल्यूड फंक्शन ठीक है तो यहां तक मुझे बात समझ आ गई कि एक फंक्शन रियल फंक्शन कब कहलाएगा जब उसकी डोमेन रियल नंबर हो जाए उसकी रेंज भी क्या हो जाए रियल नंबर तो ऐसा फंक्शन रियल फंक्शन कहलाएंगे चलो अच्छा अब मैंने आपको बताया था बच्चों की मैं थर्ड नंबर पर बात करने वाला हूँ किसकी बात करने वाला हूँ फंक्शन रूल मैंने लिखवाया था आपको कि मैं बात करूंगा किसकी फंक्शन सेट बिल्डर फॉर्म में सेट फंक्शन रोस्टर फॉर्म में एंड फंक्शन एरोडाग्राम की फॉर्म में और लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा फंक्शन एज अ रूल तो फंक्शन एज अ रूल की बात समझना बच्चों आपने छोटी क्लासों में सबसे छोट जब आप नाइन्थ क्लास में थे तो आपने एक ऐसी तरीके का एक चीज देखी होगी पी एक्स देखा होगा एक पोलिनोमियल याद है इसको क्या बोलते थे पीएक्स एक पोलिनोमियल होता था हमारा ये हमने बहुत पहले देख लिया है इस पोलिनोमियल को हमने बहुत पहले देख लिया ये हमारा पीएक्स है पोलिनोमियल अच्छा ऐसे ही एक ये एफ एक्स है ये क्या है एफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या कहेंगे हम इसे फंक्शन ऑफ एक्स अच्छा अगर मैं इस फंक्शन ऑफ एक्स की बात करूं टू मान लो मेरा किसका काम कर रहा है इनपुट का, का भाई एक्स की जगह मैं क्या रखू वन एक्स की जगह मैंने वन रख दिया तो मुझे क्या मिल रहा है वन प्लस टू यानी कितना थ्री यानी कि अगर मैं एक्स की जगह वन रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है एफ ऑफ वन मिलता है भाई देखो एक्स की जगह मैं रखता हूँ वन तो मुझे क्या मिलता है एफ ऑफ वन मिलता है कितना थ्री अगर मैं एक्स की जगह टू रखता हूं अगर मैं एक्स की जगह क्या रखता हूं टू तो मुझे एफ टू क्या मिलता है मुझे एफ टू क्या मिलता है अरे लिखने का स्पेस कहा चला गया चलो तो मुझे एफ टू मिलता है फोर एफ टू कितना मिलता है मुझे फोर अगर मैं एक्स की जगह टू रखता हूं तो मुझे एफ टू क्या मिलता है फोर ठीक है ध्यान से देखना अच्छा जो ये मेरे एक्स की वैल्यूज हैं जो मेरे एक्स की वैल्यूज हैं जो वैल्यूज ऑफ एक्स निकल के आ रही है मेरी ये क्या निकल के आ रही है वैल्यूज ऑफ एक्स आर रियल चेक करना वैल्यूज ऑफ एक्स क्या निकल के आ रही है रियल वन भी रियल है टू भी रियल है अच्छा मैं इसमें माइनस वन डाल सकता हूँ क्या हाँ मैं चाहूँ तो एक्स की जगह माइनस वन भी डाल सकता हूं अगर एक्स की जगह माइनस वन डालूंगा तो एफ ऑफ of... अच्छा यहां देख लो बच्चों यहां लिख देता हूं अगर मैं x की जगह चल मेरा अगर मैं x की जगह माइनस वन डालता हूं একো चलो अब दिक्कत नहीं आएगी एक्स की जगह माइनस वन रखता हूं तो एफ माइनस वन मुझे क्या मिलेगा चेक करना वन अच्छा मैं चाहूं तो एक्स की जगह जीरो रख सकता हूं हाँ मैं चाहूं तो मैं एक्स की जगह जीरो भी रख सकता हूं एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो मुझे एफ जीरो नहीं मिल जाएगा कितना टू तो अगर मैं ध्यान से देखू तो एक्स की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं एक्स की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं ध्यान से देखो एक्स की जगह मैं माइनस के नंबर भी रख पा रहा हूं प्लस के नंबर भी रख पा रहा हूं अच्छा अभी तो मैं इंटीजर रख रहा था क्या मैं एक्स की जगह वन नहीं रख सकता क्या मैं एक्स की जगह नहीं रख सकता हाँ वन पॉइंट वन भी रख सकते हैं एक्स की जगह मैं चाहू तो वन पॉइंट वन भी रख सकता हूं अगर मैं एक्स की जगह रखूंगा तो क्या हो जाएगा वन पॉइंट वन प्लस टू यानी कितना थ्री पॉइंट वन तो यानी कि एक्स की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं सो ध्यान से देखना जो वैल्यूज ऑफ एक्स निकल के आएंगी

इसकी डोमेन क्या हो गई ऑल रियल नंबर अच्छा अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं मैं अगर इसकी रेंज की बात करूं तो इसके रेंज yeah. में हां बोलो कुछ कह रहे हो बेटा